यहां पर बैठी हुई माताएं बहने नौजवान साथी, बाबा साहब ने कहा जो इतिहास नहीं जानता भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, अतु अपना इतिहास नहीं बना सकता। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है, आपका खोया हुआ इतिहास बताने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया है कि हम अपने भविष्य का को सुनहरा कैसे बनाएं, ऐतिहासिक कैसे बनाएं। अगर बुद्ध ना होते तो इस देश में समानतावादी व्यवस्था जो पूरी दुनिया में गई, 67 देश, चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, टोकियो, बहुत सारे देश आज बुद्ध की वजह से भारत की धरती को नमन कर रहे हैं, इसका केवल श्रेय महामानव तथागत बुद्ध को जाता है। और उनके संदेश को पहुंचाने का काम सम्राट अशोका ने किया अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को धम्म के नाम दान करके, और श्रीलंका, जापान और चीन में बौद्ध धर्म को रूपित करने का काम किया। और आधुनिक युग पुरुष में बोधिसत्व बाला साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 32 डिग्रियों, 6 भाषाओं में पीएचडी, 9 भाषा के ज्ञाता और संविधान निर्माता थे, उन्होंने 9,00,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर पूरी दुनिया में दोबारा हलचल मचाकर नए आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा धर्म क्रांति का फैलाने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, धर्म नहीं, धर्म एक मार्ग देने का काम किया जो बुद्धा ने दिया, सम्राट अशोका ने स्थापित किया और उसको पुष्मित्र सुंग ने विनाश करके 6,600 जातियों में क्रमिक असमानता में बांट करके इस देश को गुलामी की ओर जो है ढकेलने का काम किया। यदि इस देश में 85% समाज को शिक्षा से, स्वास्थ्य और व्यापार से वंचित न किया जाता तो ये देश कंगाल न होता, ये देश गुलाम न होता, ये देश अशिक्षित न होता। इस देश में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है सम्राट अशोका के दौरान थे, इसलिए विश्वगुरु था। और जब ये हमारे समाज को वंचित कर दिया गया तो इस देश में शक आए, हूड आए, यवन आए, मुगल आए, तुर्क आए, और इन लोगों ने इस देश में बहुत सारे समय तक जो है 800 सालों तक एक वर्ग ने शासन किया और उसके बाद अंग्रेज आए 150 सालों तक उन्होंने राज किया। राज करने के बाद बाबा साहब ने आविष्कारी चमत्कार करके वैज्ञानिक रास्ता देकर, शिक्षा का अधिकार देकर, समानता का रास्ता देकर, वोट का अधिकार देकर हमको पुनः जो है इस देश में दोबारा गौरवशाली जो है जीवन जीने का एक मार्ग देकर गए। लेकिन इस धर्म के संदेश को दोबारा, बाबा साहब के संदेश को आत्मसात करने की जरूरत है, हमको शिक्षित होने की जरूरत है, हमको अंधविश्वास से, ढोंग आडंबर से निकलने की जरूरत है और हमारे नौजवान साथियों को नशा से दूर होने की जरूरत है। यदि हमारे नौजवान साथी, घर के बुजुर्ग साथी, मार्गदर्शक साथी, संरक्षक साथी यदि मंदिर के बजाय मंदिरालय में खड़े रहेंगे, अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई को उस पर खर्च करेंगे तो घर में दूध और दही और किताब और कॉपी की कमी आ जाएगी, क्लेश आ जाएगा, अंतर क्लेश आ जाएगा और इससे हमारे समाज का और हमारे महापुरुषों का सपना साकार होने वाला नहीं। और हमारी बहनों को भी जो जन्मदिन, मुंडन, छठी और ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो पाखंडियों ने हमको कंगाल बनाने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए छोड़ा था, उनको छोड़ करके हमको वैज्ञानिक रास्ते पर उस पैसे को आप अपने बच्चे पर जन्मदिन पर 5,000 खर्च करती हैं, मुंडन पे 20,000 खर्च करती हैं, बराह पे 10,000 खर्चा करती हैं, अगर वो पैसे को बचा लिया जाए और केवल बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो आपका बच्चा डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा जो आपका नाम रोशन करेगा। जो आज गरीबी के कारण आपके रिश्तेदार भी मुख मोड़ लेते हैं, निमंत्रण नहीं देते हैं, बड़े शादियों में शहरों में चले गए, वो आज कल जो है 10,00,000 रुपया उबरेजा गाड़ी लेकर आपकी लड़की और लड़के का हाथ मांग कर आपको अपने सिर पर बैठाने का काम करेंगे। यही तो बाबा साहब ने किया, यही चमत्कार हमारे लिए छोड़ कर गए। और जिन लोगों ने उस रास्ते को अपना लिया उनका जीवन, उनका भविष्य सुखमय हो गया। और जो लोग अभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा साहब का मिशन अधूरा, 100 ग्राम लगा के करो पूरा, इससे काम चलने वाला नहीं।
बाबा साहब का मिशन अधूरा, नाच गा के करेंगे पूरा, इससे भी अधूरा नहीं पूरा होने वाला ना। बाबा साहब का मिशन अधूरा और मुंडन जन्मदिन करके करेंगे पूरा, इससे भी पूरा होने वाला नहीं। इसलिए समय का अभाव है और हमारे पास धन का अभाव है, इसलिए जो समय के साथ चलता है और सही समय पर अपने पैसे को खर्च करता है, उसकी पीढ़िया उसके बच्चे राज करते हैं। स्वर्ग नरक भाग्य भगवान कुछ नहीं है, इसलिए 33 कड़ों के चक्कर से निकलिए, बुद्ध के रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर चलिए।